यदि आप भी चाहते हैं कंप्यूटर में एमएस वर्ड में शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक जानना तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। और साथ ही यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ टिप्स और ट्रिक जानेंगे जिससे क्या होगा, अगर कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं तो स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आ जाएंगे। यदि आपको टेबल लेना है, जैसे टेबल लेना है तो एक तरीका तो ये है, इंसर्ट पे आइए और यहाँ ये टेबल पे, और ये जितना टेबल लेना है यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आपको शॉर्टकट लेना है तो प्लस दे दीजिए, और प्लस देने के बाद फिर माइनस माइनस जितना चौड़ा देना है फिर प्लस दे देना है, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, इस प्रकार से दे देंगे। देने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो ये टेबल आ गया। फिर इसे नीचे लाना है, टैब बटन मार मार के इस पर हम नीचे ले आएंगे। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग इससे आगा देखेंगे कि यदि आप स्माइली लाना चाहते हैं, ठीक, तो स्माइली लाने के लिए कैसे लाएंगे, तो क्लोन बटन दे देंगे, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट दे देंगे, ऑटोमेटिक ये स्माइली आ जाएगा। सैडनेस अगर लाना है, सैडनेस का सिंबल देना है तो वो कैसे देंगे, तो इसके लिए भी क्या करना है, क्लोन बटन दे देना है और ओपन ब्रैकेट देना है। ये सैड का हो गया। एक बस चुप चुपचाप वाला जो होता है वो अगर देना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, क्लोन दे देंगे। क्लोन देने के बाद ये जो फुल स्टॉप है ये दे देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आ गया, एक इसका मुंह है जो बंद हो गया। ये वाला दिए है, ये है जो ये शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस किया हम। इसके बाद क्या है, इसके बाद यदि आप काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं तो उसमें तीर का निशान देना है। तो तीर का निशान कैसे देंगे, तो दो बार है जो माइनस दाब देंगे, उसके बाद लेस देन है वो दाब देंगे, हो गया। अगर इधर लेफ्ट की ओर मारना है तीर तो पहले ग्रेट ये दे दीजिए ग्रेटर देन, और उसके बाद दो बार माइनस दे दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर इसमें अगर चौड़ा इसको देना है, मतलब ये पतला में है तीर का निशान, चौड़ा में देना है तो इसके लिए ग्रेटर देन दे दीजिए, और क्या दे दीजिए, बराबर दे दीजिए, ठीक, बराबर दे दीजिए दो बार, ये हो गया। फिर अब इधर की राइट की ओर अगर करना है मोटा में जो तीर का निशान, तो इसके लिए है ग्रेटर देन दो बार बराबर, दो बार बराबर, और उसके बाद ग्रेटर देन, ये हो गया। इसके बाद यदि फिर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख रहे हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख रहे हैं तो लिखने के लिए क्या कीजिएगा, सीधा एक है तो एक दे दीजिए, एस टी दे दीजिए, ऑटोमेटिक स्पेस दीजिएगा ऊपर चला जाएगा। सेकेंड देना है तो दो दे दीजिए, एन डी स्पेस दीजिए ऑटोमेटिक। तीन देना है तो टी थ्री आर डी थर्ड स्पेस, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इससे अगर क्या है, इससे आगे अगर बुलेट काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको बुलेट देना है तो बुलेट कैसे देंगे, तो कुछ नहीं करना है, उसमें स्टार दे देना है, टैब मार देना है, आपका क्या हो जाएगा बुलेट। फिर इसमें जो काम करना है कर सकते हैं, जैसे स्टार दे दिए, टैब मार दिए, फिर इसमें काम करके नीचे दो बार हम इंटर मारेंगे उससे हट जाएंगे। फिर इसमें अगर बुलेट ही देना है तीर का निशान वाला, तो इसके लिए क्या करना है, ये निशान दे देना है, टैब मार देना है, ठीक, हो गया। फिर नीचे आके इसमें लिख सकते हैं, फिर दो बार इंटर मारेंगे इससे बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ पेन कैप, चलिए हम एक लाइन ले लिए, इसके लाइन लेने के लिए इज इक्वल टू लिख दिए, आर ए एन डी रैंड लिख दिए, और उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये हमको स्पेस आ गया। अब इसमें देखिए, जैसे हम पेपर पढ़ते थे एक बड़ा वाला होता है जो बहुत बड़ा होता है, तो अगर हम इसको अगर हम बड़ा करेंगे, यहाँ से बड़ा करेंगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसको अगर यहाँ से करेंगे, चलिए जितना था उतना प्यान दिए, अगर हम इंसर्ट पे आएंगे और आने के बाद ये ड्रॉप और कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला है जो बड़ा हो जाएगा उसके बाद छोटा, इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से भी छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप एंड कैप का उपयोग करके आप जो एक मज़ेदार है ना, जो किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं तो आप मज़ेदार पैराग्राफ बना सकते हैं। चलिए इससे आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये काम किए, ठीक, अगर ये काम किए तो इसको बड़ा छोटा करना हो तो कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट और कंट्रोल प्लस शिफ्ट बोले तो दावे रहना है, ग्रेटर देन से बड़ा होगा और लेस देन से छोटा हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये जो है जो इसमें से सेंटेंस, अगर पूरा एक सेंटेंस हमको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, यह एक सेंटेंस है जो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और है, अगर आपके पास अगला जो लास्ट है और सबसे मज़ेदार है, तो यदि आपके पास कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला
आ गया, या मैथमेटिकल कोई क्वेश्चंस है उसको अगर सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दोनों आ जाएगा। इसमें जो बराबर देना है जितना गुने है उतना दे दीजिए, ठीक, फिर प्लस जितना देना है उतना दे दीजिए, फिर उसके बाद इस प्रकार से आप कोई भी जो आपके पास जो प्रश्न है उसका जो टाइप कर दीजिए, और करने के बाद फिर क्या करना है, कंट्रोल के साथ F9 बटन को प्रेस करना है, नहीं कंट्रोल के साथ F9 नहीं करना है, डायरेक्टली आपको है जो F9 बटन प्रेस कर देना है, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।